नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सो मच। ये आपकी जो बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। पहले मैं इतना ब्लेम करके कोस के मेरी किस्मत ऐसी है, मैं पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे और क्या है। आई नेवर न्यू कि वी कैन चेंज। आई नेवर न्यू कि आज मैं नई जिंदगी बना सकता हूँ, आज मैं नया जीवन शुरू कर सकता हूँ, आज से मैं कुछ अपनी कार्मिक अकाउंट तक बदल सकता हूँ। right. और इतना अच्छा लगा वो विजुअलाइजेशन वाला कि भले आप फिजिकल किसी को बोलो या विजुअलाइज करके बोलो या मन से बोलो, इट्स द सेम इफेक्ट। जब हमें ये समझ में आ जाए तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि कर्मा इतना मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है। कोई एक चीज कर ली लेकिन इतना मल्टीप्लाई क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वो हमारी डेस्टिनी में सामने आती है तो वो हमारे किए हुए कर्म से ज्यादा भारी दिखाई देती है हमें। टिल टुडे वी न्यू कि किसी से कुछ बात करना, कैसा व्यवहार करना, उसमें अगर हमसे कोई गलती हो जाती है वो हमारा कर्म बनता है, ये हमें मालूम था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि बार बार उसको सोचने से, याद करने से या मन में कुछ बातें करने से वो भी हमारा कर्म बनता है। तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ बन रही है तो बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? सही बात। हमें ट्रांजैक्शन ही नहीं पता थी, हमें लगा ट्रांजैक्शन कब, जब हम यहाँ आएंगे, या तो इससे कुछ करेंगे या तो इससे कुछ करेंगे, तब ट्रांजैक्शन। बट यहाँ का जो केओस एंड कंफ्यूजन था मेरा, सिर्फ इतनी क्लैरिटी मिली कि इफ यू डू दिस, दिस इज द रिजल्ट, सिर्फ एक जानकारी से मैं हल्का हो गया। इट्स लाइक आपके बिजनेस में अगर लॉस चल रहा है, बहुत समय से लॉस है, अभी भी लॉस है, लेकिन आज सडनली आपको एक तरीका मिल गया है। तरीका मिल गया जिसको आपको परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि यस दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क। तो हमें अंदर ही सर्टेन हो चुका है कि ये मेथड यूज करने से अब मेरी फैक्ट्री लॉस से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट होनी ही है। अभी हुई नहीं है, अभी हुई नहीं है, लेकिन हमें तरीका मिल गया है तो खुशी तो होगी ना। इसीलिए तो आत्मा को खुशी हो रही है, क्योंकि आत्मा को तरीका मिल गया है जिससे वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हमारी नेगेटिव साइड पे लिखी जा रही थी, आज हमें पता है कि आज हम उसको रोक लेंगे। एक लॉस को एक लॉस के लेवल पर ही रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम कितनी इजीली बचपन की बातों को याद कर लेते हैं, उसने ये कहा इतने साल पहले, वो भी बैठ कर हम याद कर लेते हैं। वी नेवर थॉट कि उससे ट्रांजैक्शन बन रही है। हमें लगा ट्रांजैक्शन किस दिन बनी थी, जिस दिन वो हुआ था। हमने ये नहीं सोचा कि जितनी बार हम उसको याद करेंगे तब भी ट्रांजैक्शन बन रही है, तो लॉस तो होगा ही। इट्स लाइक एक खर्चा उस दिन हुआ जिस दिन वो बात हुई, और उसके बाद इतनी बार वो खर्चे होते गए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि जब हीलिंग हो रही है, चाहे वो कोई मेंटल हेल्थ इशू है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इशू है, क्यों हिप्नोटिक रिग्रेशन कराते हैं, क्यों पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं, क्यों पास्ट की जो इमोशंस अक्यूमुलेटेड है उसकी हीलिंग कर रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा को वो जो रिकॉर्डिंग उसने कर दी है उसको डिलीट करने का सहयोग दे रहे हैं। कोई भी हीलिंग टेक्निक देखिए, उसमें वो कहते हैं पास्ट में जो इमोशंस क्रिएट की थी उसको रिलीज करना है। दिस इज द हीलिंग टेक्निक कि इमोशंस को रिलीज करो, पुरानी बातें जो पकड़ के रखी हैं रिलीज करो, कभी आपको किसी ने धोखा दिया था रिलीज करो, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, कोई बात से आप बहुत हर्ट बिट्रेड फील करे रिलीज करो। अब बात तो हो चुकी है, रिलीज करो मीन्स क्या, क्या रिलीज करो, किसको रिलीज करो, उस इमोशन को रिलीज करो। कभी कभी और किसी इमोशन को रिलीज करने का मन भी नहीं करता है इन स्पाइट ऑफ नोइंग द टूल। अब अपने आप से पूछें, अगर रिलीज नहीं किया तो रेपरकशन क्या आएगी? वो समझाने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर मन नहीं करता, फिर आ जाता। जब तक वो अपने आप को ब्लेम गेम में चलाता है मन,
ब्लेम गेम नहीं, देयर हर्ट, अच्छा लेकिन उसको क्यों छोड़ें, उसको बोल के रिलीज करेंगे, अपने हैं समझ में आ गई बात, टूल भी समझ में आ गया, लेकिन उसको उस दिन वाला जवाब तो एक बार देना ही है। अगर हम उसमें और इंटेंगल अब होंगे तो और रिकॉर्डिंग्स होने वाले हैं, एंड अब तो हमें ये समझ में आना चाहिए ये सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, ब्रेन के लिए और आगे इस शरीर के लिए हानिकारक है, बाकी कार्मिक अकाउंट के लिए तो है ही, डेस्टिनी के लिए तो है ही। आज हम हेल्थ को ठीक करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज हम शरीर की एक बीमारी लेकर किसी हीलर के पास जाते हैं, वो हीलर कहता है पास्ट की पकड़ी हुई इमोशन को रिलीज करो, बीमारी तो यहाँ है, बीमारी तो यहाँ है, लेकिन वो कहेगा पास्ट की पकड़ी हुई इमोशन को रिलीज करना है, तब तक ये बीमारी नहीं ठीक होगी, और अगर पास्ट की पकड़ी हुई इमोशन को रिलीज कर दिया ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। कितनी बीमारियां होती हैं, हम उसकी दवा लेते हैं, हम उसकी सर्जरी करते हैं, कुछ समय के बाद वो बीमारी फिर से मैनिफेस्ट हो जाती है। हम लाइफस्टाइल चेंजेस भी करते हैं कि हमने खाना क्या है, पीना क्या है, सोना कितने बजे, हम सब कुछ करते हैं, थिंकिंग स्टाइल नहीं चेंज करते बीमारी फिर मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड वो जो आपने पिछली बार पढ़ा, इट्स एक्सप्लेनिंग टू अस कि क्यों हो जा रही है, क्योंकि बात पकड़ के रखी, इमेजिन करते गए, मतलब सोचते गए, ब्रेन के लिए वो बात उतनी ही रियल थी, बॉडी के लिए वो इमोशन उतनी ही रियल थी, बॉडी ने वो बीमारी फिर मैनिफेस्ट कर दी। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, हमें अपनी काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है कि पास्ट की कोई भी बात अगर पकड़ के रखी है, वी आर नॉट सेइंग कि वो बात बड़ी नहीं थी, कुछ कुछ बातें ऐसी है उसको भूलने का वो हर्ट को मन चाहता ही नहीं है, कि रिवेंज लेना ही है, बदला लेना ही है उसको, एक दिन बता एटलीस्ट प्यार से या चिट्ठी तो लिख दें गुस्से वाली एक, फिर अपने मन से सिर्फ ये बात करनी है कि उसके आगे क्या, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। जो रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है वो सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, वो एक और आत्मा के ऊपर भी हो रही है। अभी तो हम सिर्फ एक का इफेक्ट देख रहे थे ना, ये इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही थी, राइट? अभी हमने सेकंड आत्मा का इन्फ्लुएंस तो देखा नहीं है क्या पढ़ने वाला है, एक रिकॉर्डिंग अंदर होती जा रही है। मैंने एक बार इंसल्ट की, आपने एक बार हर्ट क्रिएट किया, तो मेरे शब्द, आपका रिएक्शन और आपका एक्सपीरियंस ऑफ हर्ट, तीनों चीजें आपके ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, हो गई है, राइट? आपके ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, कुछ तो मेरे ऊपर भी रिकॉर्ड हुआ है। हाँ? पहली बात, मैंने इंसल्ट की क्यों, मतलब जो गलत शब्द मैंने बोले वो बोले क्यों, क्योंकि कुछ हर्ट यहाँ क्रिएट हुआ था, कुछ बात मुझे बुरी लगी थी, तो यहाँ पर भी एक रिकॉर्डिंग है, यहाँ एक रिकॉर्डिंग, वहाँ एक रिकॉर्डिंग। अब आप और मैं अलग अलग जगह हैं, नॉट सिटिंग इवन नेक्स्ट टू ईच अदर, अलग अलग जगह हैं, लेकिन दोनों कभी ना कभी उस बात को याद कर रहे हैं, राइट? अब दोनों जितनी बार उस बात को याद कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग क्या हो रही है, रीइंफोर्स हो रही है। इसको विजुअलाइज करते जाएं, दो सीडी पर एक एक रिकॉर्डिंग हुई एक इंसिडेंट की, दोनों सीडी ने जितनी बार उस बात को याद किया, दोनों के ऊपर फिर उतनी रिकॉर्डिंग हुई। अब वी नो कि एनर्जी ट्रैवल्स ऑल्सो, वाइब्रेट्स ऑल्सो, तो अब आपने जितनी बार याद किया या मैंने जितनी बार याद किया, तो वो रिकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ नहीं हुई, वो वाइब्रेशन वहाँ भी ट्रैवल भी की। अब जो वाइब्रेशन मैंने क्रिएट की यहाँ रिकॉर्ड करने की प्रोसेस में, वो रेडिएट भी हो रही है और वो आप तक जा रही है। आप आत्मा उस वाइब्रेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करना विद द माइंड इज एज गुड एज टचिंग समथिंग विद द हैंड। यहाँ से फील किया या यहाँ फील किया, उसको रिसीव किया फील किया, वो भी आपकी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गई। पहले सिचुएशन होने के बाद मैंने सोचा, सोच के रिकॉर्डिंग दोबारा की,
और उधर दोबारा नहीं, कई बार की, और फिर उधर पहुंचा, फिर उन्होंने सोचा और उनका भी आया, फिर रिकॉर्डिंग हुई, फिर रिकॉर्डिंग। तो कितनी एनर्जीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। माय गॉड, एक जो हम याद कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, और एक जो दूसरा याद कर रहा है और वो इमोशन क्रिएट कर रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, वो हम तक पहुंच रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? अब ये सब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। कई बार हम फील करेंगे कि कुछ बातें सडनली हमें बहुत पावरफुली याद आ जाती है, या कुछ माइंड में बहुत पावरफुली चलने लगता है, जैसे कि वो बात हमारे ऊपर हावी हो रही है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ वो याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं और वो वाइब्रेशन मेरे पास बहुत पावरफुल आ रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। अब ये दो CDs जिनके ऊपर पिछले महीने जब वो बात हुई थी तो एक एक रिकॉर्डिंग ही हुई थी, तब भी एनर्जी प्लेजेंट नहीं थी और सीन अच्छा क्रिएट नहीं हुआ था। अब इतने दिनों में, सपोज एक महीने का गैप हुआ, तो इन दो CDs ने कितनी रिकॉर्डिंग कर ली? अनलिमिटेड, है ना? लेट्स से 100, लेट्स नॉट इवन से अनलिमिटेड, लेट्स से 100, जबकि 100 बहुत छोटा फिगर है, बट फिर भी 100। अब एक महीने के बाद आपने कहा मेरा मन कहता है कि बता तो दो, कम से कम लिख तो दो, एक बार सुना तो दो, एक्सप्लेन कर तो दो, लेट्स अंडरस्टैंड कि इस बार जब हम मिलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव एनर्जी दैट द टू सोल्स हैव क्रिएटेड इज 100 times मोर देन द लास्ट टाइम। अब जब आप बात करने जाएंगे, आपको लग रहा है कि आपके यहाँ से बात करने का वहां से बहुत प्यारा रिएक्शन आने वाला है? वहां से रिएक्शन तो डबल उल्टा भी आ सकता है। उल्टा भी आ सकता है, उल्टा ही आएगा, बिकॉज अक्यूमुलेट बहुत हुआ है ना। आपने भी तो इतने दिनों में उनको कितनी एनर्जी भेजी है। उस दिन आपने एग्जाम्पल शेयर किया कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कुछ दिनों से नेगेटिव क्रिएट कर रहे थे, छोटा सा स्टिम्युलस आया, सबने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, एंड यू टुक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा आई नो कि इन्होंने नेगेटिव क्यों बोला, इन्होंने नेगेटिव बोला क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनके लिए नेगेटिव सोच रहा था। हाँ, तो एक नहीं, सारों के सारों ने नेगेटिव करना और छोटे से स्टिम्युलस में। हाँ, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, राइट? तो एक भी तो बोल सकते हैं चुपके, नहीं ना? आपने सबके लिए वो थॉट क्रिएट की थी, मतलब आप आत्मा ने जो रिकॉर्डिंग की थी इतने दिनों से, वो यहाँ नहीं रहती, वो वाइब्रेट होती है। तो वो 5 लोग थे, 5ों को मिली, सबको सब एक एक SMS गया, एक नहीं जा रहा था ना, कंटिन्यूसली एक एवरीडे। I said continuously everyday SMS गए। Can you imagine if it was physically an SMS? Suppose आप क्रिएट करते जो जा रहे हैं वो मेरे फोन पर आता जा रहा है, है ना? थॉट्स पर तो हम अवेयर नहीं होते कि ये कैसे हो रहा होगा। इनसाइड यू आर क्रिएटिंग अ थॉट, हॉरिबल पर्सन ऐसे बोल दिया, अपने आप को क्या समझते हैं, हमारे घर आए, हमारे घर में आकर इतना ऊंचा ऊंचा ये सब बोल के चले गए, व्हाट डज शी थिंक, इतने थॉट्स। जस्ट विजुअलाइज कि आपका थॉट मेरे फोन पर SMS के रूप में अगर आ जाए, कितने SMS आ जाएंगे? एक महीना आपने वो बात को याद की, आते जा रहे हैं, मैं पढ़ती जा रही हूँ, आते जा रहे हैं, मैं पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ। ये इतने सारे SMS रिसीव करने के बाद आपको लगता है एक महीने बाद जब आप वो बात मेरे से कहेंगे, यू रियली गोइंग टू एक्सपेक्ट अ नाइस रिस्पॉन्स फ्रॉम मी? हाउ इज इट पॉसिबल? फिर हम कहते हैं हम तो गए थे बात को ठीक करने के लिए, हम तो गए थे बात को सॉल्व करने के लिए, हम तो गए थे बात को फिनिश करने के लिए, हमने तो बात भी अच्छे से की, लेकिन उन्होंने इतना बुरी तरह से रिएक्ट किया सामने से कि बात और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वो जो सामने से रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज SMSs दैट वी हैव सेंट टू देयर माइंड फॉर द लास्ट सो मेनी डेज। हम इतने दिन से वो एनर्जी भेज रहे थे। अगर आप उस बात को बात करके भी ठीक करना चाहते हैं, देयर इज अ वे, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
मन को स्टेबल करना पड़ेगा, स्टेबल करना प्यार की एनर्जी देनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा अंदर की, इनसे हमको रिश्ता वापस बनाना है। वेरी ट्रू। अब जो चाहना रखनी होगी वो ये नहीं रखनी होगी कि मुझे उनको दिखाना है सुनाना, मुझे उनको बताना है, मुझे उनको क्या लगता है कि मैं चुप हो गया था लास्ट टाइम तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो एनर्जी है वो है दूसरे की डिसरिस्पेक्ट, दूसरे को डिमीन करना, दूसरे को इमोशनली अटैक करना, वो एनर्जी है। अब ये एनर्जी आपने इतने दिन से क्रिएट की तो मेरे पास उल्टी आ चुकी है। अब आने के बाद आप उस बात को प्यार से कहेंगे। लेट्स इवन अज्यूम दिस कि आप जोर से नहीं बात करेंगे, रूडली नहीं बात करेंगे, आप उस बात को बहुत प्यार से कहेंगे। आप मुझे आकर कहेंगे, बहन आपको पिछली बार जो आपने कहा वो ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए था, तो अकॉर्डिंग टू यू आप उस समय एक बहुत अच्छा कर्मा कर रहे हैं। आप कहेंगे, मैं उस बात को ठीक करने गया था, मैंने उस बहन से बहुत प्यार से बात की, मेरा इंटेंशन था कि मैं सब कुछ को ठीक कर दूं, लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द एनर्जी दैट आई हैव रिसीव्ड फॉर सो मेनी डेज, सो माय रिस्पॉन्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू बी द राइट पॉजिटिव प्योर रिस्पॉन्स। तो मैंने यहाँ से जोर से रिएक्ट कर देना है। अब आप क्या कहेंगे, पिछली बार इन्होंने इंसल्ट की, अगली बार मैं बात को ठीक करने गया तो इन्होंने और बुरी तरह से बात की, तो आपके ऊपर रिकॉर्डिंग डबल हो गई। और आपने रीइंफोर्स क्या किया कि पहले भी इन्होंने गलती की, इस बार फिर इन्होंने बुरी तरह से बात की, राइट? आपने कहीं भी ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि ये जो सारी थॉट्स मैंने भेजी थी इतने दिन से, उस वजह से इन्होंने गलत तरह से बात की है। वी विल नॉट सी दैट स्टेप, वी विल ओनली से पिछली बार भी इन्होंने ठीक से बात नहीं की, इस बार भी इन्होंने ठीक से बात नहीं की। अब आपके ऊपर एक सेकेंड रिकॉर्डिंग हो गई। अब ये सेकेंड रिकॉर्डिंग को भी याद रखेंगे, याद करेंगे ही, इसकी भी बहुत एनर्जी बार बार क्रिएट होगी, वो एनर्जी भी मुझे जाएगी, मैं भी आपको एनर्जी भेजूंगी, क्या हो जाएगा इस सीडी पर? सब क्योस, लड़ाई झगड़ा, पेन। इस सीडी पर पेन रिकॉर्ड होने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे साथ जो रिलेशनशिप है वो तो क्या होता जा रहा है, स्ट्रेंड। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग द राइट एनर्जी। दिस It's not about what we speak. It's more about what we've created many, many times and sent to them. Jitni baar humne sirf soch kar wo bola, let us visualize jo hum soch rahe hain, wo samne wale ke phone par ek SMS ke roop mein ja raha hai. Sirf visualize kare us atma ko kitne SMS milne wale hain. Itna padhne ke baad, सपोज आप मेरे लिए सोचते गए और मैंने वो पढ़ती गई सारा कुछ, दिस इज़ वॉट यू थिंक अबाउट मी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, और फिर आपने आकर बहुत 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 प्यार से बात की, द बेस्ट दैट यू कुड हैव डन, विल आई टॉक नाइसली? नो। देन इज इट माय फॉल्ट? I am responding in return to all those messages that I got in my mind all those days. कितनी पावर है? हो सकता है जो other person जिसने मुझे पहली बार insult किया था publicly, उसका भी cause देखे, जो effect को तो देख लिया हमने, उसके cause के पीछे उसका क्या कारण है, उसका जो भी कारण होगा, क्या कहां कहां से क्या बातें भरी हो, और ये भी या उसका भी एक संस्कार हो, या उसकी लाइफ में क्या बीती हो, और ये भी एक चेकिंग, क्या पहले मैंने उनके लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट किया था जो उन तक पहुंच गया है? जैसे आपने वो वाला इंसिडेंट बताया कि वो ग्रुप के लिए मैंने नेगेटिव क्रिएट किया था, तो वहां से नेगेटिव उन्होंने बोला, राइट? उन्होंने रिएक्ट कर दिया, लेकिन आपने कनेक्ट कर लिया दोनों चीजों को और आपने कहा ये मुझे दिख रहा है। तो मुझे मालूम था कि मैंने नेगेटिव रोज बोला, मन में बोला, स्टाफ को भी बोला, ये लोग आते हैं या गंदा करके जाते हैं, मतलब उनको तो नहीं बोला ना, उनको डायरेक्टली नहीं बोला, मन में बोला, लेकिन यहाँ आपको कनेक्शन दिख रहा है
कि मैंने उस ग्रुप के लिए मन में कई दिनों से ऐसी थॉट क्रिएट की थी, और जैसे ही वो फिजिकल में आया कर्मा में, कि छोटा सा स्टिम्युलस आया, उन्होंने नेगेटिवली बात की, इस बार आपने क्या किया, ब्लेम उन पर नहीं डाला, आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि यू कुड सी द कनेक्शन, आपको दिख रहा था ये मैंने सोचा था, ये उन्होंने बात की है। अब इस इंसिडेंट में भी ले लेते हैं, इस इंसिडेंट में तो हो सकता है कि वहां से शुरू हुआ हो ना, ऐसे तो हर बार मैं अपने आप नो वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग वी हैव टू चेक एवरीथिंग। हां तो हो सकता है वहां से स्टार्ट हुआ हो, हो सकता है वहां से स्टार्ट हुआ हो, क्या प्रॉब्लम है वो जाने, यस हो सकता है वहां से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन इसकी भी चेकिंग कर ले। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमें हर स्टेप पर देख लेना चाहिए कि कहां कहां डैमेज हुआ था। अगर हमें एक ब्यूटीफुल सोल्यूशन चाहिए तो फर्स्ट स्टेप ये भी चेक कर लें, कहीं भी कभी भी पहले क्या मैंने उनके लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट किया था, चेक कर लें सिर्फ। हो सकता है नहीं किया था, हो सकता है किया था तो उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसको चेंज नहीं किया, कैसे चेंज करें अगर किया था तो? कि जो हमारी थॉट्स उस टाइम उनके बारे में चल रही थी वो अभी भी हैं, तो गई नहीं है उनको? अब उनको अंडरस्टैंड करके उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सोल्यूशन की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। मन कहे कि मेरे को सोल्यूशन करना ही नहीं, जैसा है वैसे ही ठीक है, कर्मा बन रहा है, क्यों कार्मिक अकाउंट क्रिएट, किसी के साथ बुरा रिश्ता ठीक नहीं है तो कर्म हो गया, कर्म और कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ, ये एक आदमी के साथ रिश्ता कट गया, ठीक है कट नहीं रहा ना, ये कट नहीं करते ना, सोच तो रहे ना, कार्मिक अकाउंट धीरे सोच पे खत्म हो जाती है। कार्मिक अकाउंट तब खत्म होता है जब चित पर भी उनके प्रति एक भी थॉट नहीं आई, तब कर्मा स्टॉप हुआ। गुड बैड, गुड आई तो अच्छा कर्मा है, लेकिन जहां अनप्लेजेंट कुछ हो चुका है वहां हम कॉन्शियसली गुड क्रिएट करें तो ठीक है, अनअवेयर क्रिएशन हो रही है तो गुड आती नहीं है, गिल्ट भी आ सकता है। कार्मिक अकाउंट अगर सेटल करना है, अगर वो करना है और वो हमें देखना है कि वो सेटल हो गया, तो वो तब है कि चित पर एक भी थॉट, एक भी फीलिंग, मुख में बोल तो पॉसिबल नहीं, चित पर ही एक भी थॉट एक भी फीलिंग उनके लिए नहीं अगर आ रही, तो वो वाला अकाउंट क्या हो गया है, सेटल हो गया है चित पर। लेकिन वो अपने आप नहीं होगा जब तक हम उसको कुछ करके उस पर वर्क नहीं करेंगे। नेगेटिव अगर कुछ है, क्यों हमने पिछली बार देखा कि वो साइकिल में चला जाता है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव साइकिल में घूमेगा ही अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट। एक साइकिल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो घूमना ही है, साइकिल की नेचर है टू कीप ऑन स्पिनिंग, इट इज गोइंग टू गो, अनलेस यू स्टॉप एंड चेंज द डायरेक्शन, तब तक तो वो नेगेटिव में ही घूमता जाएगा। आप कहें कि साइकिल रुक गया, ठीक है रुक गया, लेट्स इवन से दैट कि साइकिल रुक गया, कभी ना कभी कोई बात आएगी, फिर चल पड़ेगा, कोई परिस्थिति आ जाएगी, सामने वो दिख जाएंगे, कोई उनका नाम ले लेगा, जैसे ही स्टिम्युलस आएगा साइकिल जिस डायरेक्शन में रुका था उसी डायरेक्शन में फिर से घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो चेंज किया ही नहीं, तो कर्मा कितना हैवी हो जाएगा। फिर हम कहते हैं व्हाई इज माय डेस्टिनी लाइक दिस, व्हाई एम आई इल, व्हाई एम आई नॉट फीलिंग नाइस, व्हाई एम आई नॉट हैप्पी, व्हाई एम आई रिलेशनशिप नॉट नाइस, साइकिल की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। मैं आज उनका नाम ले लूं आपके सामने तो मैं बोलूंगा फिर मुझे उनसे बात करो धोखा दिया था, इतनी बड़ी इतनी स्ट्रांग लाइन बोल दी, मतलब यहाँ भरा हुआ है ना, और जिस समय आप बोलेंगे आपको वो इमोशन कोई बहुत ब्यूटीफुल तो क्रिएट होने नहीं वाले। साइकिल की डायरेक्शन को चेंज करे बिना एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस डिलीट नहीं होगा। नहीं बोलते नहीं है कि देखिए इन्होंने मुझे बिजनेस में धोखा दिया था, तो बोलते वी कैन बी फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट डू बिजनेस टुगेदर। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या रिलेशनशिप रखा है, इतना देख लिया कि हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हर मेमोरी जो फिर से रिवाइव हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वी विल नीड टू बी फ्रेंड्स।
वी विल हैव टू बी फ्रेंड्स, एंड विच मीन्स यहाँ पर जो अनप्लेजेंट मेमोरी पकड़ के रखी थी, जो एक्सपीरियंस पकड़ के रखा था, उसको मुझे अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे यहाँ पर. वो लाइन को हम फिजिकल रूप में ले लेते हैं कि वी कैन बी फ्रेंड्स बट नॉट डू बिजनेस, मतलब कहीं मिलेंगे तो प्यार से बात करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे. तो हमें लगता है राइट कर्मा, प्यार से झूठा झूठा प्यार से, झूठे झूठे प्यार से का क्या मीनिंग है फिर, कि मुख से मीठा बोलेंगे अंदर वही वाली रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कर्मा तो बन रहा है ना. वो सूक्ष्म चेकिंग कि कोई सोच नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तब और अगर कभी वो याद आए, देन इट हैज टू बी अ ब्यूटिफुल प्योर थॉट, अ ब्लेसिंग, दुआ, तब कार्मिक अकाउंट चेंज हुआ है, नहीं तो वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वी हैव टू कीप अटेंशन कि अंदर भी थॉट आई, याद आए, किसी ने बात की, सपोज आपने उनसे बात करनी बंद कर दी और मैंने आपके आपसे उनके बारे में बात की, आपका रिएक्शन कैसा होगा? हैज टू बी स्वीट ब्यूटिफुल विद अ ब्लेसिंग, देन दैट विल बी अ प्रूफ कि आपके चित से वो जो चोट है, वो वूंड है, वो डिलीट हो गई है. ये चित से जो वूंड डिलीट होनी है ना, ये इनडिफरेंट होकर नहीं होगी, ये यहाँ पर हीलिंग करने से ही होने वाली है, अदरवाइज इट विल नॉट गो. सो लाइक वी कुड डू हीलिंग ऑफ द बॉडी जस्ट बाय इमेजिनेशन कि ये डिजॉल्व हो रहा है, ये हील हो रहा है, ये अंग ठीक हो रहा है, ब्रेन उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, बॉडी उसको कर रही है हील. सेम थिंग वी कैन डू विद द सोल, कि हम उस आत्मा को सामने लाएं और उसको प्योर वाइब्रेशन भेजें, वो अकाउंट भी हील हो जाएगा. जब ये बीमारी हील हो सकती है जो कि जड़ है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज तो सिर्फ एनर्जी के लेवल पर है, वो क्यों नहीं हील होगा, वो भी हील हो जाएगा फिर. थैंक यू सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. When we face a difficult situation or get involved in a relationship conflict, we think and speak about it often. Energy is created when it happens, and also while repeated thinking and speaking. It all becomes a part of our karma. Karma multiplies, and therefore destiny appears to be heavier than the actual karma. Destiny is a return of the multiple karmas, not only the single incident. Each time we relive the negative past, we are creating thoughts of hurt, anger, resentment, or revenge. These thoughts create imprints on the soul. These thoughts radiate to the other person and create an imprint on them. They return a similar energy to us, which we consume, and this again gets imprinted on the soul. Repeated exchange of negative energy depletes soul power. Our destiny then becomes unhappiness, disease and relationship conflict. Disease in the body is often a result of emotional blockages. Healing of the soul and body requires us to release all emotions which we have held on to from the past. Let us cleanse our mind and take care in the present that we resolve issues internally and not hold on to anything which will cause pain in the future and in the next life.